नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल, मैं हूं नैन्सी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रतन लाल बामनिया जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा अनुसूचित जनजाति 15 जुलाई को फतेहबाद में कबीर महाकुंभ का आयोजन करवा रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति होंगे और हरियाणा के राज्यपाल होंगे। चलिए दिखाते हैं प्रेस वार्ता की एक झलक। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद कि आप सब हमारे जो सीनियर समाज के लीडरान हैं, बामनिया जी की एक ही काल पर आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच हमारे समाज की बेटी चमेली देवी सोलंकी जो जिला पलवल जिला परिषद की चेयरपर्सन है, हरियाणा में पहली बार 15 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी फतेहबाद में कबीर महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी भी अति विशिष्ट अतिथि होंगे। साथ में SC ST कमीशन के चेयरमैन और पूर्व HRD स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया भी इस कबीर महाकुंभ में शिरकत करेंगे। वयोवृद्ध नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य और हमारे समाज के संरक्षक दादा नारायण सिंह केसरी, जिनकी अध्यक्षता में ये कबीर महाकुंभ मनाया जाएगा। एसोसिएशन और धानक महासभा फतेहबाद दोनों मिलकर कर रही हैं और इसके अंदर सहभागी समस्त हरियाणा का जो कबीर अनुयायी है वो उसमें शिरकत करेगा और सहयोग भी करेगा। अभी बीच में हमारे समाज की जो चेयरपर्सन है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो सभी पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबका आपका बहुत बहुत स्वागत है। फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो कबीर महाकुंभ के अंदर आएंगे एज ए मुख्य अतिथि, वो शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ माननीय महामहिम गवर्नर साहब भी आएंगे, कप्तान सिंह सोलंकी जी भी आएंगे और हमारे समाज के SC ST आयोग के जो पहले HRD मिनिस्टर रहे हैं रमाशंकर कटेरिया जी भी आएंगे इसमें। और ये महाकुंभ जो है किसी एक बिरादरी का नहीं है, 36 बिरादरी का महाकुंभ है, क्योंकि संत शिरोमणि कबीरदास जी वो सभी समाजों के गुरु हैं, वो किसी एक विशेष समाज के नहीं हैं, वो जो संत महाकवि कबीरदास जी है उनको 36 बिरादरी के लोग मानते हैं। वो चाहे कोई भी बिरादरी हो, सबके गुरु हैं और अपने आप में एक ईश्वर का स्वरूप है संत कबीरदास जी। और ऐसे संत के जो जयंती मनाई जा रही है हरियाणा के अंदर, ऐसी जयंती के मौके पर जो महाकुंभ मनाया जा रहा है उसमें अगर 36 बिरादरी के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, मैं सभी सिरसा वासियों से, फतेहबाद वासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से ये अपील करती हूँ कि इस महाकुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके इस महाकुंभ को सफल बनाएं, क्योंकि ये एक महायज्ञ है, इसमें सभी की आहुति जरूरी है। ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी महाकुंभ में? ये पहली बार हो रहा है हरियाणा की धरती के ऊपर जो है, पहली बार हो रहा है। और वैसे तो कबीर जयंती जो है पूरे स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज मनाई जा रही है, वहाँ पर सरकार की तरफ से भी कोई न कोई नुमाइंदा जो वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहा है, लेकिन महामहिम जी जो पहली बार फतेहबाद के अंदर आ रहे हैं वो कबीर जयंती के मौके पर आ रहे हैं। और विशेष बात ये है कि वो हमारे समाज से ही बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे लिए और ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये कोई पार्टीबाजी के लिए नहीं है जो ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, तो क्या इसमें और पार्टी के लोग भी आएंगे? इसमें सभी पार्टियों के लोग आएंगे, वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे NLD के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि ये
राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है ये, सब हमारे अलग अलग पार्टियों के नेता भी यहाँ पर मौजूद है आपके बीच में जो है, तो ये एक सामाजिक प्रोग्राम है।